ये आईलाइनर के ऊपर ग्लिटर लगाने का आइडिया पता है हमें किससे मिला? डायन से। अरे क्या क्या मेकअप टिप्स मिली हमें उससे, क्या मेकअप करती है। लेकिन बिना आए मेकअप के डायन से कभी आप मिले हैं? हम मिलाते हैं बिना मेकअप के। क्यों? अरे क्योंकि वो लड़के हैं, मुंडे हैं। हाँ, एक बॉय डायन आ गया अब सीरियल की दुनिया में, उनसे मिलाएं आपको। चलिए मिलाते हैं मोहित मल्होत्रा से और कराते हैं उनके संग एक बड़ा ही मस्ती भरा डे आउट। पंजाबी मुंडा देसी टशन, पेश है मोहित मल्होत्रा, जिन्हें आपने कई सीरियल्स में देखा हो, लेकिन आजकल ये बन गए हैं एनटीवी के सीरियल डायन में सहर्ष। बड़े अच्छे लगते हैं से लेकर ससुराल गेंदापुर से लेकर एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 2। मोहित मल्होत्रा ने कई शोज में काम किया है, लेकिन रियल लाइफ में मोहित मल्होत्रा कैसे हैं? अरे भाई, बड़े ही संस्कारी हैं, जो सुबह उठते भगवान का ध्यान करते हैं, अपना बर्थडे अलग ढंग से नाचते गाते हुए मनाते हैं, अपने घर को अपने हाथों से सजाते हैं, अपना नाश्ता खुद बनाते हैं, पर्दे पर हॉट, डैशिंग और हैंडसम है, लेकिन रियल लाइफ में है दिल्ली के संस्कारी मुंडे, जिन्होंने अपने घर में सजाई है अपने बचपन की यादें, साईं बाबा को मानते हैं और अपने घर को रंग से सजाया है। तो आज मोहित मल्होत्रा के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे, देखेंगे कि उनका घर कैसा है, कैसा है उनका फिटनेस रजीम, क्या खाते हैं नाश्ते में, घर में कौन सा है उनका फेवरेट कॉर्नर, उनकी लाइफ के कुछ मोमेंट्स, और उसके बाद जाएंगे उनका बर्थडे मनाने। जी हाँ, आज सास बहू और बेटिया के साथ मोहित अपना बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं उनके साथ एक बर्थडे वाला डे आउट, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह मोहित मल्होत्रा के घर पर जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। हेलो सास बहू और बेटिया, प्लीज वेलकम माय होम। दिल्ली के रहने वाले मोहित मुंबई में अकेले रहते हैं। चूंकि मोहित फिटनेस कॉन्शियस हैं, इसलिए सुबह सुबह निकल पड़ते हैं जॉगिंग करने। बहुत सारी स्पेशल चीजें होने वाली हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए, तो आपको बहुत मजा आएगा मेरे साथ आज मेरा बर्थडे स्पेंड करने में। क्योंकि दिन की अभी शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले तो हम जॉगिंग करने जाएंगे, उसके बाद हम आपको अपना घर दिखाएंगे, और उसके बाद हमारे लिए आपके पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बताएं। सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स गो। तो चलिए मोहित के साथ चलते हैं जॉगिंग पर। मोहित सुबह की ताजा हवा का मजा लेते हैं और अपने फिटनेस रूटीन को पूरा करते हैं। वैसे जिम में टाइम बिताना इनका फेवरेट पास टाइम है और साथ साथ डांस करना भी। वापस चलते हैं मोहित के घर, जहां वो चेंज वेंज करके रेडी है। नहा धोकर उनका सबसे पहला रिजीम होता है भगवान में लीन हो जाना। जी हाँ, मोहित भगवान में आस्था रखते हैं, बड़े ही संस्कारी हैं और पूजा करना उनका डेली रूटीन है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा जो बर्थडे है मैं आप लोगों के साथ बिताऊं, फैंस के साथ बिताऊं, जो मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, मेरे काम को सराहना देते हैं, उनके साथ बिताऊं। तो सरप्राइजेस धीरे धीरे खुलते रहेंगे, सो हमारे साथ चलते रहिए और सरप्राइजेस के साथ घुलते मिलते रहिए। पूजा के बाद अब मोहित तैयार है अपने नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट में हम यूजली ना मैं बहुत ही साधारण सा ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो जल्दी से हो जाता है क्योंकि शूट जाने के वक्त ज़्यादा वक्त नहीं होता है। तो जो ग्रेनोला सीरियल्स होते हैं और यू नो एड सम चोको फ्लेक्स इन दैट और थोड़ा सा मिल्क डाल के मैं उसे फटफट से खा लेता हूँ। तो देखें क्या खाते हैं मोहित नाश्ते में। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है, जो इट्स वेरी इजी टू मेक।
ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. तो आई हैव दिस ग्रेनोला व्हिच आई क्विकली पुट इन इट. फिर आई ऐड सम चोको फ्लेक्स, थोड़े से यू नो इट और थोड़ा टेस्टफुल हो जाता है थोड़ा सा. एंड देन यू ऐड मिल्क टू इट. हमारा ब्रेकफास्ट जो है रेडी. मोहित के नाश्ते की रेसिपी बड़ी ही सिंपल है. मोहित की रसोई बड़ी ही करीने से सजी हुई है और उसमें खास है उनके फ्रिज पर लगे हुए मैग्नेट्स जिन पे उनके ट्रैवल की यादें हैं और साथ साथ लाइफ की सेइंग्स भी. यहाँ पर यू नो आई राइट एवरीथिंग कि मुझे कब क्या खाना है. तो माय कुक आल्सो नोस कि उसे कौन से दिन क्या बनाना है. सो आसान हो जाता है मेरे लिए भी और मेरे कुक के लिए भी. ये मुझे जहाँ जहाँ पे मुझे जो कोट्स अच्छे लगे वो मैंने बना लिया और यू नो आई टुक दैट अलोंग विद मी. तो ये वो है जैसे एक जो पार्टी बताएंगे आपने. हाँ जैसे जो सबसे बेस्ट आपको लगा लगेगा. सोच मत बस कर ले. सो डोंट लेट योर ड्रीम्स बी ड्रीम्स. ये बहुत अच्छा कोट लगता है मुझे दिस वन. और मैं फ्रेंड्स सीरियल का बहुत बड़ा फैन हूँ तो मैंने फ्रेंड्स का ला के रखा हुआ है. एंड ये वाला ये देखो डू इट बिकॉज यू लव इट. ये कोट्स हैं जो मुझे सुबह सुबह जब मैं देखता हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है. ये सब जब जो जो जगह के हैं मैं वहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ और जहाँ पर मुझे वक्त मिला था मैंने वहाँ से ये मैग्नेट्स खरीदे. तो ये वो सारी चीज़ें हैं. ये मेमोरीज हैं. आपको मेमोरीज रहती हैं कि आप कहाँ कहाँ पर गए हो और यू नो आपको कौन कौन से कोट्स पसंद हैं. तो जब भी मैं सुबह उठ के फ्रिज खोलता हूँ तो मुझे वो सारी यादें जो है ताज़ा हो जाती हैं. अब चलते हैं उनके ड्राइंग रूम में जहाँ पर अपनी फेवरेट कुर्सी और कॉर्नर पर वो करते हैं अपना नाश्ता. ज़्यादा मित्र मेरी जो बुक्स होती हैं मैं उनके साथ यू नो आई रियली लव माय बुक्स. तो ये कॉर्नर मुझे बड़ा अच्छा लगता है. वैसे ये कुर्सी उनके लिए बहुत खास है और ये है उनके घर का फेवरेट कॉर्नर क्योंकि यहाँ पर वो गाना गाते हैं और थोड़ा मेडिटेशन करते हैं. अजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम भी अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से. जी किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है और इसलिए मैंने छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है अपनी. जो जो मेरी पसंदीदा किताबें हैं मैं यहाँ पढ़ता हूँ और यहीं पर बैठ के पढ़ता हूँ क्योंकि नज़ारा भी अच्छा है होता है और यहाँ पर एक सुकून सा मुझे मिलता है. तो ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट कॉर्नर है. अब जरा लेते हैं मोहित के घर का एक टूर. उनके घर की खास बात है कि उनका पूरा घर वाइट है. मैं शुरू से ही चाहता था कि ये जो चीज़ें हैं सफ़ेद रहें और सफ़ेद जो होती है एक सफ़ेद रंग जो है एक पीसफुलनेस को रिफ्लेक्ट करता है. और मैं चाहता हूँ जब भी आप घर पे हैं तो एक सेरेनिटी हो और एक पीसफुलनेस हो. तो जो मुझे यहाँ पर आके मिलती है और इसलिए शायद था कि हम जो है घर को थोड़ा सफ़ेद रखें. बुद्ध भगवान है ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एक कामनेस ले आते हैं घर पर. जब आप घर पर आते हैं काम करके पूरा दिन जो स्ट्रेसफुल होता है आपका तो जब घर में आते हैं इसे देखते हैं तो आपके अंदर एक शांति सी आ जाती है. तो ये एक घर में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट पैदा करते हैं. देखो बहुत अच्छी चीज़ है जो लिखी हुई है और ये कहा है कि जो हुआ वो अच्छा है जो हो रहा है वो अच्छा है जो होगा वो भी अच्छा होगा. तुम्हारा क्या गया जो तुमने खोया तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया तुम जो लाए तुमने जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया जो आज तुम्हारा है कल किसी और का है और कल किसी और का. और बस आपके सामने है सारी चीज़ें. मेरी क्लॉक है जो बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत पसंदीदा क्लॉक है मेरी जिसमें यू नो एक कैमरा बना हुआ है. और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है मेरे बहुत करीबी है क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मुझे बहुत पैशन है उसके बारे में उसके क्राफ्ट के बारे में. तो जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो मुझे एक नई जिंदगी नई दिन की जो शुरुआत होती है तो उसको देखकर होता है. बहुत कम सामान है लेकिन जो भी सामान है बड़े ही करीने से लगा हुआ है. वैसे उनके घर में एक फोटो वॉल भी है जहाँ पर उनके बचपन की उनके काम की तस्वीरें हैं. तो जरा देखें उनके यादों की ये बारात. मॉम के साथ फोटो है जब हम उदयपुर में थे और ये मेरी डैड के साथ फोटो है ये हम अमेरिका में थे एक बोट राइड पर. तो अभी मेरे डैड के साथ है ये हम यूनिवर्सल स्टूडियोज में थे लॉस एंजलिस में ये तब की फोटो है.
मेरे भाई हैं हिमांशु, आप सब जानते ही हैं, और ये मेरी मॉम है, और ये साथ में मैं। ये मेरा पहला शो था, सबसे ज़्यादा करीबी शो है। मेरा शो था चुपके चुपके, चुपके चुपके के दौरान है। ये मैंने 3 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया था ज़्यादा, आई वाज ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि मुझे फ़ोटो शूट कराना था। ये तब की फ़ोटो है ये, तो देयर वाज एन आर्टिकल जब बताया गया था कि कैसे वो मुझे शेप में आना पड़ा 3 दिन के लिए, और यू नो बिकॉज फ़ोटो शूट था, तो ये तब की बात है। तक यू नो बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट थी, एंड यू नो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली लिमिटेड फूड, क्योंकि आपको पता था कि आपका फोटो शूट है, तो आपको भी एकदम प्रेप रहना पड़ता है, ये तब की बात है। वैसे मोहित का अपने भाई हिमांशु मल्होत्रा और भाभी अमृता के साथ गहरा नाता है। मोहित आजकल रिलेशनशिप में है और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं, लेकिन अभी मुंबई में अकेले बैचलर रहते हैं। भाई वाह, बैचलर होते हुए भी मोहित ने अपने घर को बड़ी ही खूबसूरती से रखा है और बॉलीवुड फिल्मों के वो दीवाने हैं। देखिए उनका ये फिल्मी वॉल। तो ये मेरी हॉलीवुड का हॉल ऑफ फेम, ये मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, एंड आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। तो ये वो हैं, बहुत सारे हैं, द रॉक ड्वेन जॉनसन इनको आप जानते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम क्रूज, क्रिस्टन बेल, हीथ लेजर, तो सारे जो है मेरे पसंदीदा एक्टर्स हैं, और इनके जो कोट्स हैं मुझे बड़े पसंद लगते हैं। सो विल स्मिथ जो है एक्चुअली मेरे बहुत फेवरेट हैं, और वो कहते हैं कि आपको अगर कोई ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो जस्ट गो फॉर इट, एंड आई फॉलो दैट। अब मोहित तैयार है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, लेकिन वो बर्थडे कुछ खास अंदाज में मनाना चाहते हैं, इसलिए हमें वो लेकर जाएंगे वो खास जगह जहां वो मनाएंगे अपना बर्थडे। इस फेवरेट जगह पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खास जगह है, ये ऑर्फनेज जहां मोहित हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, इन बच्चों की खुशियों में अपनी खुशी वाला दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मेरा बर्थडे हम बहुत ही खास तरीके से बिताने वाले हैं इन सब बच्चों के साथ, बहुत ही सारे प्यारे बच्चे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इन सब से, तो आज इन सब से मिलेंगे। कैसे हो बच्चों? देखिए बच्चे कैसे मोहित को बर्थडे विश कर रहे हैं। वैसे इन बच्चों का भी प्लान है कि आज मोहित के लिए वो खास डांस करेंगे, और देखिए मोहित कैसे इन बच्चों के साथ बच्चे बन गए। और बच्चों के साथ कर डाला आज के जमाने का डांस। वैसे नन्हे बच्चों ने मोहित को ये खास गिफ्ट भी दिया, ये वो गिफ्ट्स हैं जो ये बच्चे अपने हाथों से बनाते हैं। इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी जो क्रिएटिविटी है और इनका जो टैलेंट है इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो हम चीज़ें फेंक देते हैं, जो हम हमारे किसी काम की नहीं होती, उस चीज़ से ये एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है कि न्यूज़पेपर से ये हमने बास्केट बनाया है। ब्यूटीफुल। हम सबको इनसे सीखना चाहिए कि हम कैसे जो इतनी चीज़ें ख़राब कर देते हैं और फेंक देते हैं, ये लोग उसी चीज़ को इस्तेमाल करके इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं जो लोगों के काम आएगी। मतलब दे आर डूइंग सर्विस टू द सोसाइटी। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि इनकी वजह से ये सारी चीज़ें बन रही हैं और ये लोगों के काम आ रही हैं। इतना खूबसूरत पर्स मैंने नहीं देखा है। इस तरह मोहित ने मनाया अपना जन्मदिन, यानी वो स्पेशल डे जो हम सब केक काटकर या पार्टी मनाकर करते हैं, लेकिन मोहित ने ये बर्थडे मनाया बिल्कुल अलग ढंग से सास बहू और बेटिया के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आके जो एक एनर्जी होती है ना, वो आपको ओवरवेलम कर देती है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इन बच्चों के साथ ही वक्त बता सकूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर साल मेरा जन्मदिन इन बच्चों के साथ ही मने,
और इससे अच्छी कोई बेहतर बात नहीं हो सकती, इससे अच्छी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। और मैं अपना और आप सबका प्यार देना चाहता हूँ बच्चों को, तो और ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप इनके लिए जो भी करना चाहें वो करिए, क्योंकि ये बच्चे हैं जो हमारे आने वाले हमारे देश का फ्यूचर है। सो गिव देम ऑल द लक, आई गिव देम ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड माय गुड विशेस टू ऑल ऑफ देम। और इसी के साथ करा हमारे साथ डे आउट और अब दिखाएं अपनी जिंदगी के वो पहलू जिससे हम अब तक अनजान थे। और वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये मेरा जन्मदिन मनाने का उनके साथ, और इसी बहाने मुझे उनके थ्रू मुझे अपने फैंस और व्यूअर्स से मिलने का मौका मिला। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड, वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर सास बहू एंड बेटिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।